डोसा तो सबको पसंद है, राइट? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि डोसा प्राइसेस कैन टेल यू अ लॉट अबाउट इन्फ्लेशन एंड आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में? कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 2016 में देन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, डोसानॉमिक्स। डोसानॉमिक्स का इंटेंशन था कि सरल भाषा में लोगों को समझाए कि कैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके परचेसिंग पावर मतलब खर्चा करने की ताकत पर असर करते हैं। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए साल के शुरुआत में आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप ये सारा पैसा डोसा खरीदने में लगाना चाहते हैं। अज्यूम करते हैं कि एक डोसा कुछ 50 रुपए का है, तो आप उस 1,00,000 से 2,000 डोसा खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम दो सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। केस वन, आप वो 1,00,000 रुपया 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो साल के अंत में आपके पास होंगे 1,10,000। सीधी बात है, आप ज़्यादा डोसा खरीद सकते हैं, लेकिन ठहरिए, इस समय इन्फ्लेशन का रेट है 10%, मतलब आपका डोसा अब 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये हो गया है। एंड अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1 साल के बाद आज भी आप केवल 2,000 डोसा ही खरीद सकते हैं, मतलब आपकी परचेसिंग पावर में कोई बदलाव ही नहीं आया और खड़े खड़े 1 साल भी गवा दिया। अब आते हैं केस टू पे। वही 1,00,000 रुपया अगर आप 8% इंटरेस्ट पे अगेन 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस बार इन्फ्लेशन रेट है अराउंड 5.5%, तो साल के अंत में आपके पास होंगे कुछ 1,08,000 रुपये और आपका प्यारा डोसा मिलेगा कुछ 52.5 रुपये में। अब कैलकुलेट करें तो आप 2,048 डोसा खरीद सकते हैं। तो इन दो केसेस से हमें क्या समझ में आया? लोग अक्सर सिर्फ हायर इंटरेस्ट रेट को देखकर बाकी सब भूल जाते हैं। महंगाई का रेट कोई याद ही नहीं रखता। महंगाई का रेट आपके रिटर्न्स को साइलेंटली मात दे रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो सोल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका पैसा कंपाउंड होता रहे और इन्फ्लेशन को बीट करे। अब आप समझदार हैं, आप जानते हैं क्या करना।